नमस्कार दोस्तों, ये जो फुटेज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कल की है, 7 अक्टूबर की इजराइल की, जहां पर हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, एक सरप्राइज अटैक इजराइल के ऊपर किया गया हमास ग्रुप द्वारा, जिसमें 200 से लेकर 250 के बीच में अभी तक की जो आंकड़े मौत के वो निकल के आए हैं और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल है, साथ ही साथ कई सारे लोगों को बंदी भी बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसराइल के ऊपर करीबन 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए इन टेररिस्ट ग्रुप द्वारा, जिसके कारण ही बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। ये आतंकी इसराइल में ग्रुप्स बनाकर आए हैं और ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसराइल में घुसे हैं। इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए, पूरी तरीके से प्लान बनाया, कुछ लोग पैराग्लाइडर के थ्रू ग्लाइड करके इसराइल में उतरे, साथ ही साथ कुछ लोगों ने दीवार को तोड़कर इसराइल में घुसने की कोशिश की है, क्योंकि इसराइल के चारों ओर एक दीवार है जिसके चलते वहां पर जल्दी कोई घुस नहीं पाता है। तो इन्होंने उस तरीके को तोड़ा और वहां पर घुसपैठ की इजराइल में। और इस चैनल के थ्रू मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि वहां पर सिचुएशन थोड़ी और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि इजराइल अब काउंटर अटैक करने की सोच रहा है और उनके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान भी किया है। और इन सभी चीजों को लेकर इंडिया ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, साथ साथ सारे ही देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इस आतंकी हमले की निंदा की है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो लोगों को बंदी बना दिया गया है और जो लोग वहाँ पर इंजर्ड है उनकी हेल्प कैसे की जाएगी और कैसे इसराइल उनको निकाल कर लाएगा। लेकिन आखिरकार इसराइल में ऐसी सिचुएशन आई क्यों और कौन है ये हमास टेररिस्ट ग्रुप जिसने पूरी तरीके से इसराइल को परेशान करके रख दिया है। दोस्तों, इसराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पर अगर एक भी आदमी मरता है तो उसकी वैल्यू है इसराइल को, और इसके लिए इसराइल बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है इस समय। और इसीलिए इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ वॉर है, यानी कि यहाँ पर युद्ध के पूरे पूरे आसार है। और अब कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी, जहाँ पर ये हमास ग्रुप रहता है और साथ ही साथ और भी फिलिस्तीनी रहते हैं, वहाँ पर अब बड़े अटैक्स होने वाले हैं इसराइल की तरफ से, क्योंकि फुटेज दिखाती है काफ़ी बुरा अटैक यहाँ पर हुआ है। 7 शहरों पर अलग अलग ग्रुप्स हैं हमले किए। इस हमले ने सरप्राइज कर दिया इसराइल को एकदम से, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये अटैक बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो कि जमीन, समुद्र, साथ साथ हवा से एक साथ किया गया, जो कि शुरू हुआ सुबह के 6:30 बजे, जब हवा में 5000 से भी ज्यादा रॉकेट अटैक हुए। रॉकेट्स की रिपोर्ट के बाद ही इजरायली आर्मी को खबर मिली कि हमास इंटर कर चुका है करीम सलोम क्रॉसिंग पर, जो कि गाजा और इजरायल का एक चेक पॉइंट है, और इसकी कई वीडियोस भी सामने आई। और ऐसे ही हमास के लोगों ने इजरायल के इर्ज बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन पर भी हमले किए। इसके बाद ये फिलिस्तीनी लड़ाके घुस चुके थे इजरायल में और करीबन 7:30 बजे तक लोगों ने देखा कि गाड़ी पर भर भर के मिलिटेंट शहरों में घुसते जा रहे थे और इसराइल और गाजा के बॉर्डर के 9 जगहों से इन मिलिटेंट ने घुसना शुरू किया। इसके बाद जगह जगह पर इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी होती रही और जैसे ही देर होती रही कई और जगह से बॉर्डर्स को तोड़ा गया और अल्लाह अकबर के नारे के साथ खूब सारे लोग घुसपैठ करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद इन फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने लोगों को बंदी बनाना शुरू किया और इसराइली लोगों को बंदी बनाकर गाड़ियों में भर के लेते गए वापस गाजा। और अभी तक की करेक्ट नंबर नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने बंदी बनाया है, लेकिन जो खबर मिली है उसमें पता चला कि इसमें 17 नेपाली लोग हैं, क्योंकि उनको जो मिला उसको इन लोगों ने बंदी बना लिया। अभी तक की जो लेटेस्ट खबरें उसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा फिलिस्तीनी भी 200 से ज्यादा मारे गए हैं और यही था अटैक का तरीका। और जैसे ही अटैक हुआ दुनिया बटना शुरू हो गई। सऊदी, तुर्की और ईरान ने तो यही स्टेटमेंट दिया कि इसमें इसराइल की ही गलती है, यानी कि इसराइल पर ही अटैक हुआ और बोल रहे हैं कि इसराइल की ही गलती है। लेकिन ऐसा बोलने के पीछे कुछ कारण भी है। एक हिस्ट्री रही है जो कि इसराइल और हमास ग्रुप के बीच में रही है और कहीं ना कहीं इन हमास ग्रुप को इसराइल ने ही बनाया है और आज उसी का परिणाम इसराइल ही झेल रहा है और उसी को हम लोग जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच में क्या कनेक्शन है। तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होते होते यहूदियों को जर्मनी से और यूरोपियन पार्ट से बाहर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ अत्याचार काफ़ी ज़्यादा होते थे, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्राइम होते थे, नफरत होती थी, जिसके चलते वो यहूदी वहाँ से निकलकर एक लोअर पार्ट में आते गए और तब वहाँ पर इसराइल नहीं हुआ करता था, तब वहाँ पर हुआ करता था फिलिस्तीन। तो ये सभी यहूदी धीरे धीरे फिलिस्तीन में आ गए। तो अब इस फिलिस्तीनी एरिया में काफ़ी ज़्यादा यहूदी आ गए और 1948 में इन लोगों ने अपना देश घोषित कर दिया, एक पार्ट को जिसको आज इसराइल बोलते हैं। तो अगर इसराइली फिलिस्तीन के इस एरिया में आ गए तो यहाँ पर फिलिस्तीन जो रहते थे वो कहाँ गए? तो यहाँ पर जो फिलिस्तीनी रहते थे वो यहाँ से ईस्टर्न पार्ट में चले गए, साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट में भी चले गए।
जो ईस्टर्न पार्ट में गए उसको बोला जाता था वेस्टर्न बैंक, और इसको वेस्टर्न बैंक बोलने का मतलब इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी जो कि है जॉर्डन नदी, और जॉर्डन नदी के वेस्ट पार्ट को वेस्टर्न बैंक कहा जाता था, और इसी वेस्टर्न बैंक में बहुत सारे फिलिस्तीनी रहते हैं आज भी। साथ साथ कुछ फिलिस्तीनी इसराइल के वेस्टर्न सदर्न पार्ट में भी रहते हैं जिसको बोला जाता है गाजा पट्टी, और एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसीलिए इसको गाजा स्ट्रिप बोला जाता है, यानी कि गाजा पट्टी बोला जाता है, और इन्हीं एरियाज में अब फिलिस्तीनी रहते हैं। और इसका रीजन ये था कि जो फिलिस्तीनी होते थे वो होते थे मुस्लिम, जिसके चलते धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उनको निकाल दिया गया, और ये पूरी जगह इसराइल बन गई, और यहाँ पर मोस्टली यहूदीज रहते थे, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह थी जिसको बोला जाता है यरूशलम, जिसको फिलिस्तीन भी चाहता है साथ साथ इसराइल भी चाहता है, क्योंकि यरूशलम को पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिम्स में भी साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी में भी, और पुरानी हिस्ट्री में भी यरूशलम को काफी रिलीजियस मान्यताएं मिली हैं, जिसके चलते ही यरूशलम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज यरूशलम के मोस्ट ऑफ द पार्ट को इसराइल ओन करता है, करीबन 3/4 पार्ट को इसराइल ओन करता है, वो इसराइल के पास है, और यहीं पर अल अक्सा मॉस्क जिसको फिलिस्तीनी अपना बोलते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसके चलते यहाँ पर इश्यूज हैं। दोस्तों 1948 में जब इसराइल बना और फिलिस्तीनियों को निकाल दिया गया तो वहाँ सिचुएशन काफी खराब थी। सऊदी, इजिप्ट, सीरिया, ये सारे ही मुस्लिम देश थे, इन्होंने अटैक कर दिया था इसराइल पर, इसराइल पर चारों तरफ से हमले होते थे, लेकिन उस समय इसराइल काफी स्ट्रांग था, इसराइल की टैक्टिक्स काफी स्ट्रांग थी, जिसने पुश कर दिया, पछाड़ दिया इन सभी देशों को जो कि अटैक करते थे इसराइल पर, और कई देशों के लैंड उल्टा इसराइल ने ऐसे ही लड़ते लड़ते एक्वायर भी कर लिए, और यहीं से इसराइल की एक स्ट्रांग इमेज सामने आई जो कि कई सारे देशों को एक साथ हराने में कामयाब होने वाली थी, और इसको लेकर वो सभी आसपास के देश डर गए, और उसके बाद कभी इसराइल पर ज़्यादा अटैक नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इसराइल पर अटैक करेंगे तो उन्हीं का नुकसान है, और इस इमेज के साथ इसराइल को पूरी दुनिया में मान्यता भी मिल गई। लेकिन फिर भी फिलिस्तीनी जो कि आउटर माउंटेंस में इसराइल के रहते थे वो हमेशा से अपनी जगह को चाहते हैं, तो फिलिस्तीनी तब से लेकर गाजा स्ट्रिप में साथ साथ वेस्टर्न बैंक में रहते हैं, और वो लगातार अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे साथ साथ अपनी जमीन को भी लेना चाहते हैं। तो यहीं पर इन सब चीजों को लेकर एक संगठन बना जिसको बोलते थे PLO, यानी कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फिलिस्तीन वाले पार्ट को वापस लाया जाए इसराइल से, क्योंकि जब से इसराइल बना था और फिलिस्तीनियों के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरी दुनिया संवेदना रखती थी इन फिलिस्तीनियों के साथ, और इसराइल को भी ये पता था कि दुनिया इनके साथ संवेदना रखती है, और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लगातार स्ट्रांग होती जा रही थी, इसके चलते इसराइल ने एक कदम उठाया जो कि उसी के ऊपर भारी पड़ गया आज के समय, और वो कदम था कि इसराइल ने उस समय फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करने के लिए तोड़ने के लिए इसराइल ने कुछ लड़कों को रखा। दोस्तों ये लड़के आमतौर पर फिलिस्तीनी लड़के ही हुआ करते थे, और इनको फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अपोज में ही इसराइल ने खड़ा करवा दिया, जिन्होंने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े नेताओं को मान लो खत्म ही कर दिया, और ये सब 1970 से 1990 तक चलता रहा, जिसके बाद ये लड़के जिसके खिलाफ थे यानी कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने खत्म कर दिया, तो ये इसराइल के लिए अच्छी बात थी, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं। अब ये फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये जो लड़के थे ये काफी लड़ाके हो चुके थे, और इन्होंने अपना ही संगठन बना लिया जिसको बोलते आज हमास, और ये हमास ही आज इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार है, और इस हमास ग्रुप ने इसराइल के ऊपर अभी हमला किया है। तो जिन लोगों को इसराइल ने अपने लिए बनाया और अपने लिए पैदा किया, जिसके बाद ये इसराइल के खिलाफ अब हो चुका है, लेकिन हमास ने जो अटैक किया इसराइल पर उन्होंने कहा कि वो बदला है जो उन्होंने अल अक्सा मॉस्क पर कभी इसराइल ने काफी नाइंसाफी की, गलत किया है उसके चलते, क्योंकि इस्लाम में इसको तीसरे सबसे पवित्र स्थान के तौर पर माना जाता है, और हमास के टेररिस्ट ग्रुप इसी का बदला लेने आए और इस अटैक को कराकर वो यही हिसाब ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसराइल ने इस्लाम धर्म की बेइज्जती की है, जिसके चलते ये अटैक करवाए गए, और यहाँ पर पूरा प्लान बना के आए थे, लेकिन उन बहुत सारे टेररिस्ट को खत्म किया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी गई है, और ऐसा लगता है कि इस अटैक के बाद फिलिस्तीनी और हमास के लिए काफ़ी बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि वहाँ के PM ने ऐसा खुद ही बोला है। तो आपकी इस सब पे क्या राय है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी गलती है, और क्या इसराइल को फिलिस्तीन पर अटैक करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था ये पूरा सिचुएशन हिस्ट्री से लेकर के क्यों शुरू हुआ, आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।